सारण तटबंध का निरीक्षण करने के बाद सीएम नीतीश कुमार का काफिला अचानक केसरिया बौद्ध स्तूप पहुंचा, जहां उन्होंने केसरिया बौद्ध स्तूप का मुआयना किया। तटबंध का निरीक्षण करने के बाद पहुंचे केसरिया बौद्ध स्तूप। जी, तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री आज गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर में गंडक नदी की जमींदारी बांध के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और वहां के मुख्य अभियंता को फिर से एक टीम बनाकर सभी जगहों पर तटबंध का जायजा लेने का निर्देश भी दिया है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अभी वहां पर, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? धनंजय, मैं अपना सवाल दोहरा रही हूं कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं अभी, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है अभी वहां पर? हेलो जी धनंजय, आपकी आवाज आ रही है। जी, देखा जाए रितंभरा, ये मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार का ये पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम जो गोपालगंज में सारण तटबंध का निरीक्षण करने के पश्चात उनकी काफिला एकाएक केसरिया बौद्ध स्तूप की तरफ रवाना हुई, और मैं ये बता दूं कि उनका जो काफिला जो निकला वो सत्तर घाट पुल हो के तरफ से निकला है, और पिछले साल ये विपक्ष के लोगों के द्वारा ये सत्तर घाट पुल टूटने को लेकर हंगामा किया गया था, लेकिन वस्तु स्थिति यह थी कि सत्तर घाट पुल टूटा हुआ नहीं था, उसका अप्रोच पथ टूटा हुआ था, और उसी पथ से आकर सीएम नीतीश का काफिला केसरिया बौद्ध स्तूप को का निरीक्षण करने के बाद ये उनकी काफिला आगे निकली है। उनका मुख्य श्रेय ये है कि इस विश्व की ये जो धरोहर है केसरिया बौद्ध स्तूप, उसको विश्व के पटल पर कैसे लाया जाए और यहाँ पर्यटन कैसे सुचारू हो, इसके लिए उनका मुआयना हुआ है। जी रितम्रा जी, धनंजय, वहाँ नीतीश कुमार ने वहाँ के मुख्य अभियंता से भी बातचीत की और कुछ निर्देश दिए, क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने? जी, सीएम का ये निर्देश उनको मिला है कि जो विश्व प्रसिद्ध जो बौद्ध स्तूप है और विश्व का सबसे बड़ा ये बौद्ध स्तूप है, यहाँ की का जो रख रखाव है और यहाँ का जो बाकी जो वस्तु स्थिति है, यहाँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, उस पर उन्होंने कहा है कि इसका रूपरेखा तैयार किया जाए और इसको कैसे विश्व के मानचित्र पर लाया जाएगा और पर्यटन कैसे बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। जी रितम्रा जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया धनंजय। तो आपको बता दें कि तटबंध का निरीक्षण करने के बाद सीएम केसरिया बौद्ध स्तूप पहुंचे हैं अभी।